गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में और एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, यानी कि बुक से आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। शेयर द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और जो शेडेड पोर्शन है फिर उसका हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। क्लियर हो? अब इसके संदर्भ में पहले वाली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x वैल्यू x और y टेबल बनाएंगे। टेबल में मिनिमम दो वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। फिर y की वैल्यू 0 रखी है तो y के प्लेस पे 0 आ गया, 2x इज इक्वल टू 6 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे हमने सेकंड वाली इक्वेशन लिखी है 2x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 को राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये माइनस का 2 आ गया, तो हमारी इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। अब हम फिर जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, एक्स वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक बार वाई की वैल्यू 0। जब हमने एक्स वैल्यू 0 पुट की है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 2। फिर वाई की वैल्यू 0 पुट की है तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1। क्लियर हो? तो यहाँ पे इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितने हो गए, यहां से 0.6 आ गया यहां से, तो और सेकेंड आ गया हमारे पास में 3.0। सेकेंड वाली जो इक्वेशन है इससे जो कोऑर्डिनेट आए हैं वाई है 0, कितना हो गया, 2 आ गया, और सेकंड जो कोऑर्डिनेट आया है वह है -1.0। अब इन्हें कहीं के ऊपर रिप्रेजेंट करना है हमें, ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के ऊपर हमने सबसे पहले ये कौन सी लाइन खींची थी, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी हो गया हमारी, वाई एक्सिस। ये एक्स डैश हो गया और ये यहां पे क्या जाएगा हमारा, वाई डैश, ये ओरिजिन आ गया। तो सबसे पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो है 0.6, एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और वाई की वैल्यू आ गई 6, तो यहां पे जो पॉइंट्स आ गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0.6। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, 3.0, एक्स वैल्यू 3 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 3.0। अब हमने ये वाला जो पॉइंट सर, ये पॉइंट है, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन के ऊपर जाते हैं। सेकंड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0.2, यहां पर आ गया 0 और ये 2 आ गया। फिर नेक्स्ट है -1.0, एक्स की वैल्यू माइनस का 1 आ गया और वाई की वैल्यू 0 आ गई। अब ये वाला जो पॉइंट्स है और ये वाला जो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हमने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर होगी? फिर थर्ड नंबर पे क्या गया, एक्स एक्सिस ही होगी। अब ये तीनों से ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा कैसा हो गया, शेडेड पोर्शन। अब इस जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का हमें क्या निकालना है, एरिया। अब हम शेडेड पोर्शन का जब एरिया निकालेंगे तो क्लियर होगी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हो गया, ए के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 1.4 आ गया, ए के कोऑर्डिनेट निकाल दिए 1.4। फिर बी के कोऑर्डिनेट आ गए -1.0, सी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 3.0, और एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना आ गया, 3 तो ये हो गया, 1 ये आ गया, तो बेस कितना हो गया इसका, 4, और हाइट कितनी होगी, जब यहां से हाइट लगाएंगे तो कितनी आ गई है, हाइट कितनी आ गई, 4, तो ये आ गया 1/2, 4 × 4 16, और 16/2 कितना हो गया, 8 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। 3.3 का नाम जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने जब इसका लर्निंग आउटकम्स आप लोगों को समझाए थे, तो उसमें मैंने समझाया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि हमारे पास में कोई भी दो इक्वेशन गिवन होगी, उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, और जो वेरिएबल हमने सेपरेट किया है उसकी जो वैल्यू है वो सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। क्लियर होगी? और वहां से फिर जो सेकंड वेरिएबल की जो वैल्यू निकल कर आएगी, क्लियर होगी, उस वैल्यू को क्या करेंगे, अदर इक्वेशन में रख देंगे, उससे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये इसका क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मेथड है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 6 पार्ट है, 6 पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली क्वेश्चन है 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब हमने जो पहले वाली इक्वेशन थी उस इक्वेशन को लिख लिया। इसके बाद में यहां पे जो 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6 आ गया। 3 × 3 कितना हो गया, 9x आ गया।
फाइव इंटू टू कितना हो गया माइनस टेन वाई अपॉन सिक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस का टू। तो नेक्स्ट लाइन में थ्री एक्स माइनस टेन वाई सिक्स टू जा कितना हो गया माइनस ट्वेल्व, इक्वेशन नंबर थ्री। अब इक्वेशन नंबर टू को लिख लिया, इक्वेशन नंबर टू को लिखने के बाद में क्या हो गया थ्री और टू का एलसीएम कितना हो गया सिक्स आ गया, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई अपॉन सिक्स इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन सिक्स। नेक्स्ट लाइन में टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थर्टीन इंटू सिक्स अपॉन सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारे पास में टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थर्टीन। अब हमने वाई को राइट हैंड साइड में ले गया तो नेक्स्ट लाइन में आ गया टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स बराबर कितना हो गया थर्टीन माइनस थ्री वाई, तो x इज इक्वल टू थर्टीन माइनस थ्री वाई अपॉन टू। अब ये जो x की वैल्यू निकल कर आई है इसको हमने किसमें पुट कर दिया इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर। इक्वेशन थ्री है नाइन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, नाइन आ गया x की वैल्यू कितनी होगी थर्टीन माइनस थ्री वाई अपॉन टू, माइनस कितना हो गया टेन वाई इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, यहां से एक्सएम कितना आ गया टू आ गया, थर्टीन नाइन का कितना हो गया वन हंड्रेड सेवनटीन, नाइन थ्री जा कितना हो गया माइनस ट्वेंटी सेवन वाई हो गया, टेन टू जा कितना हो गया माइनस कितना हो गया ट्वेंटी वाई आ गया, इज इक्वल टू हो गया माइनस का ट्वेल्व। तो ये आ गया वन वन सेवन माइनस फोर्टी सेवन, क्योंकि ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी कितना हो गया माइनस फोर्टी सेवन वाई, ट्वेल्व टू जा कितना हो गया माइनस ट्वेंटी फोर आ गया, ट्वेंटी फोर को लेफ्ट में ले गया फोर्टी सेवन को राइट में ले गया, तो ये आ गया वन वन सेवन प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू कितना हो गया फोर्टी सेवन वाई, तो फोर्टी सेवन वाई इज इक्वल टू हो गया 141, तो y इक्वल टू 141 अपॉन 47, 47 थ्री जा कितने होते हैं 141 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया थ्री। अब y की वैल्यू जो थ्री आई है इसको हमने किस इक्वेशन में पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस थ्री वाई अपॉन टू, तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 13 माइनस थ्री इंटू थ्री अपॉन टू, थ्री इंटू थ्री कितना हो गया नाइन, थर्टीन माइनस नाइन हो गया फोर, और फोर को जब टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू। हैंस द सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया टू आ गया और वाई इज इक्वल टू थ्री। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के फिफ्थ पार्ट की। ये लिखा हुआ है ए फ्रैक्शन बिकम्स नाइन अपॉन अलेवन इफ टू इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ थ्री इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स फाइव अपॉन सिक्स, फाइंड द फ्रैक्शन। क्लियर होगी। तो जब बात करता है कि हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो फ्रैक्शन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। तो हमने मान लिया लेट द न्यूमरेटर बराबर बी एक्स, नेक्स्ट टाइम में लेट द डिनोमिनेटर बी बराबर कितना हो गया वाई, सो फ्रैक्शन कितना आ गया एक्स अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसने, उसने कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम दो ऐड कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है नाइन अपॉन अलेवन, किसके अंदर ऐड करना है टू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कितना है हमारा एक्स, तो ये आ गया एक्स प्लस टू, डिनोमिनेटर कितना हो गया वाई प्लस टू इज इक्वल टू कितना हो गया नाइन अपॉन अलेवन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अलेवन की तरह मल्टीप्लाई करी तो अलेवन एक्स हो गया प्लस ट्वेंटी टू आ गया, नाइन की वाई से मल्टीप्लाई करी नाइन वाई प्लस कितना हो गया एटीन, तो नेक्स्ट लाइन में अलेवन एक्स माइनस नाइन वाई ट्वेंटी टू माइनस कितना हो गया ट्वेंटी टू, जब राइट में जाएगा तो माइनस का और एटीन प्लस का, तो ये कितना हो गया माइनस ट्वेंटी टू प्लस एटीन इज इक्वल टू हो गया माइनस फोर, इक्वेशन नंबर वन। अब हमारी जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन आई है अलेवन एक्स माइनस नाइन वाई इक्वल टू माइनस फोर ऑल्सो। अभी क्या कह रहा है कि वही कह रहा है कि थ्री इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स फाइव अपॉन सिक्स, अब न्यूमरेटर के अंदर भी थ्री एड कर दिया डिनोमिनेटर के अंदर भी थ्री एड कर दिया और हमारा फ्रैक्शन कितना होता है फाइव अपॉन सिक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया सिक्स एक्स प्लस एटीन इज इक्वल टू फाइव वाई प्लस फिफ्टीन, अभी हो गया सिक्स एक्स फाइव वाई लेफ्ट में आ गया माइनस कितना हो गया फाइव वाई और इज इक्वल टू हो गया फिफ्टीन माइनस एटीन, और फिफ्टीन माइनस एटीन कितना हो गया माइनस का थ्री आ जाएगा, जो फाइव वाई है उसको भी राइट हैंड साइड में लेंगे, तो यहां से आ गया सिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फाइव वाई, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस थ्री प्लस फाइव वाई अपॉन सिक्स, इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर टू से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की, अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है इक्वेशन टू से निकल के उसको हमने कहां पुट करना है इक्वेशन नंबर वन के अंदर। क्लियर होगी। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अलेवन एक्स माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, अलेवन एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री प्लस फाइव वाई अपॉन सिक्स, माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस फोर,
अब हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया, 11 3 का कितना हो गया -33 हो गया, 11 5 का कितना हो गया 55y हो गया, 69 से मल्टीप्लाई करें 54y हो गया और इक्वल हो गया माइनस का 4। तो यहां से आ गया 55 -54, तो क्या बचेगा यहां पर y, 33 राइट हैंड साइड में चला गया तो क्या हो गया प्लस का आ गया, 4 6 का कितना हो गया माइनस का 24 आ गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का, सॉरी y इक्वल टू कितना हो गया 9। पुट इन सेकंड, अभी जो y की वैल्यू निकल आई थी इसको किसका पुट करके हमने इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, तो इक्वेशन सेकंड क्या है x इज इक्वल टू -3 प्लस कितना हो गया 5 × 9/6, 9 5 = 45, तो ये आ गया -3 + 45/6, 45 में से 3 गए 42 आ गया, 42 को जब हमने 6 से डिवाइड करते तो 6 7 जो होते हैं 42, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 7, क्लियर होगी, दैट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया x अपॉन y, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो कितनी है x अपॉन y, और x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 7/9, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट की, 6 पार्ट में दिया हुआ है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 5 ईयर एगो जैकोब एज विल 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, क्लियर है, तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बराबर कितना हो गया एक्स ईयर्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बराबर कितना हो गया वाई ईयर्स, कि जैकोब की एज कितनी होगी एक्स साल हो गए और बेटी की एज कितनी होगी वाई ईयर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5 ईयर हेंस 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 5 और बेटे की एज कितनी हो जाएगी वाई प्लस 5, अब जो जैकोब है अपने बेटे से कितने टाइम्स क्या होगा ग्रेटर देन है 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से आ गया एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y + 15, तो ये आ गया एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 10, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है 5 ईयर एगो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो जैकोब है उसकी एज कितनी होगी x माइनस 5 और जो बेटे की एज होगी वो कितनी होगी y माइनस 5 और कितने टाइम्स कह रहा है 7 टाइम्स, कितने टाइम्स 7 टाइम, अब सन की जो एज है उसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो नेक्स्ट लाइन में आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस कितना हो गया 35, नेक्स्ट लाइन में x इज इक्वल टू हो गया कितना हो गया 7y और जो 5 उधर जाके आएगा हो गया प्लस का 35 प्लस 5, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 7y माइनस कितना हो गया 30, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन कितना हो गया फर्स्ट, अब जो सेकंड इक्वेशन से हमारी x की वैल्यू निकल गई थी वो किसमें पुट कर दी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी x माइनस कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 10, तो ये आगे x के प्लेस पे हमने क्या पुट किया है 7y माइनस कितना हो गया 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो ये आगे हमारे पास में 4y इक्वल कितना हो गया 10 प्लस 30 और 10 प्लस 30 कितना हो गया 40, तो 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 40, y इक्वल टू हो गया 40/4, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 10 ईयर। अब ये जो y की वैल्यू आई 10 ये हमने कौन सी इक्वेशन में पुट कर दिया पुट इन सेकंड, तो x इज इक्वल टू हो गया 7y माइनस कितना हो गया 30, 7 × 10 माइनस कितना हो गया 30 आ गया, 7 × 10 70 आ गया, 70 - 30 तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 40, क्लियर होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 ईयर, हैंस जैकोब एज कितनी होगी 40 ईयर्स और सन एज क्या हो गया 10 ईयर।